ए भगवान, यू सी दैट रेड फ्लेम? और जहाँ से ट्रैक जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो रात मुझे कसोल से ही भाग भाग के अपनी हॉस्टल आना पड़ा, क्योंकि बारिश तो ज़्यादा तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और प्लस रात की जो वाइट थी बहुत सही थी यार, मतलब नोमैड हॉस्टल का मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। तो मैं काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी मज़ा आया। अभी मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से छलाल जाऊँ। छलाल जो है एक गांव है और कसोल के आसपास ही है। मतलब जितना कसोल के बारे में आप जानते हो कि कसोल जिस चीज़ों के लिए फेमस है, आई थिंक कसोल में बहुत चीज़ें हैं जो एज अ सोलो बैकपैकर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो ना। तो एज अ सोलो बैकपैकर मुझे फ़िलहाल अभी तक तो मेरी जर्नी बहुत सही जा रही है। चलो फिर चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, मिलते हैं, बाय बाय। एक जमाना था जब यहाँ लोग कम थे और ये वादियां रास थी, मगर लोग तेजी से बढ़ने लगे और ये रास खुलने लगे। पर इन वादियों में और लोगों में बहुत फर्क है। ये खुद ब खुद दुनिया के आगे आना नहीं चाहती, और हम इनके जरिए इनको और खुद को पूरी दुनिया की नजरों के सामने लाना चाहते हैं। तो ये जो ब्रिज है ये लैंडमार्क है छलाल जाने के लिए। आप कसोल से आएंगे तो आपको ये ब्रिज मिलेगा, यहाँ से आपको लेना है लेफ्ट टर्न, और फिर ये सीधा जो रास्ता है ये सीधा रास्ता छलाल की तरफ जाता है। बहुत सुंदर ट्रैक है, साइड में पार्वती रिवर है, और मेरे हिसाब से यहाँ से मेरे को लगभग हाफ एन आवर के करीब लगेगा। Look at this place, man. How grand it is. Look at those trees. Wow. I think Chalal is this way. तो गाइस ये है विलेज छलाल। मेरे को यहाँ पे सब कुछ वैसे लग रहा है जैसे मैं चोज में था, स्टे ऑप्शंस। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रुकता हूँ तो पूरे दिन करूँगा क्या। तो मुझे अभी एक ट्रैक पता लगे यहाँ से, इस जगह से एक ट्रैक जाती है, उसका नाम है रसोल। तो वो मुझे शायद इस माउंटेन से होते हुए कहीं पड़ेगी। मुझे 5 किलोमीटर की ट्रैक है, तो आई थिंक 2-3 घंटे लग जाएंगे, और ऊपर स्टे ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है, अब मैं यहाँ से ट्रैक शुरू करूँगा अपने रसोल जाने की। वैसे मैंने कभी सुना नहीं था कि कसोल सुना है, रसोल कभी नहीं सुना। तो आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग जगह हो, और रास्ते में जो ट्रेल होगी मैं आपको सारा बताऊँगा। अभी मैंने यहाँ पे जो है अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, उसमें मैंने ब्रेड ऑमलेट और कॉफ़ी मैंने ऑर्डर किया है। जिंदगी में सारा खेल हालात का है, जिसके अच्छे रहते हैं वो चलता जाता है, और जिसको अच्छे करने होते हैं वो रुकना नहीं चाहता। काश मेरी इन बातों का असर हम सब पर हो जाए, और हम सब इन चट्टानों की तरह मजबूत खड़े हो जाएं। तो अभी मैंने अराउंड 2.5 या 3 किलोमीटर कवर कर लिया है। पूरे ट्रेल पे मुझे कोई ड्राइवर तो नहीं मिला, पर रास्ते में काफ़ी सारे होम स्टे के ऑप्शन हैं। तो आई थिंक इस ट्रैक को सोलो कर सकते हैं लोग। क्या मैंने अभी ट्रैक पूरा नहीं किया है, मैं अभी रास्ते पे हूँ। अभी तक जो रास्ता है वो अच्छा है, मतलब आपको ट्रेल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड किसी ने मुझे बताया था कि रिवर के साइड साइड चलना है, तो मैं रिवर को साइड में फॉलो करते जा रहा हूँ। और यहाँ के माउंटेंस काफ़ी बहुत बड़े बड़े हैं। एक्चुअली मैं अभी घाटी में हूँ, तो आई थिंक ये जो ट्रैक है ऊपर कहीं टॉप पे काफ़ी ऊपर जाके खुलता होगा, एंड आई होप वहाँ से बहुत अच्छा माउंटेन का व्यू दिखे।
यहाँ पे कुछ ये रेड कलर के फ्लावर्स पड़े, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह लिए। रसोल जा रहे हैं, रसोल वही है ना सामने, वही है, बड़ा प्यारी जगह है। मैं सोच के आया था कि वहाँ बहुत कम लोग होंगे, पूरा गांव बसा हुआ है। बहुत गांव है, कम नहीं है, बहुत गांव है ना। रसोल से आगे भी गांव है? नहीं, रसोल से आगे नहीं। ये क्या है? ये कैमरा है, कैमरा है हाँ, इससे मैं वीडियो बना के इंटरनेट पर डालूंगा। अच्छा, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। अच्छा, नमस्ते, राम राम। तो देखो, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है बात करना लोगों से। वैसे मैं थोड़ा एम्बीवर्ट पर्सन हूँ, पर जब ऐसे कोई नहीं होता ना तो मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, बस यही है। चलो, अंकल ने कंफर्म तो कर दिया, वही रसोल गांव है, तो मेरे को तो यहीं से अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो ये है रसोल, ये जगह भी मलाना की तरह है। यहाँ पे भी कुछ होली प्लेस है, जैसे कि मंदिर, अगर छुएंगे तो फाइन लगेगा। हाँ, होती है हर जगह की अपनी अपनी मान्यताएँ होती हैं। तो अभी मैं सर्च कर रहा हूँ एक अच्छा सा रूम, तो लेट्स फाइंड आउट। ऊपर कुछ होमस्टेज हैं, बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं, तो वहाँ ट्राई करता हूँ। अभी मुझे एक पंकज भाई नीचे मिले थे, उनका नाम, उनका होमस्टे का नाम था ओम शंकर। वो मुझे 300 में एक रूम दे रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मैं जस्ट घुसा ही था रसोल में। सी द व्यू, वहाँ पे माउंटेंस, सब सब खेत, अलग ही चीज़ है। मैं होम स्टे की तलाश करते करते फाइनली टॉप पॉइंट पे आ गया, जो मुझे वहाँ से बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं अब बिल्कुल टॉप पॉइंट पे खड़ा हूँ। सारे जो होम स्टेज हैं वो नीचे हैं, ये जो है ये आखिरी होम स्टे है। तो मैंने फाइनली ये जगह जो मैंने डिसाइड किया, मैं रुका हूँ रोहित ठाकुर जी के इस जगह पर। मैंने यहाँ पर रूम लिया है और ये मेरा रूम है आज के लिए। पर मैंने ये रूम इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे है और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा सिटिंग स्पेस है, तो फिलहाल तो मैं अपने खाना पीना, अपनी कॉफ़ी वगैरह, चाय यहीं से बैठ के एंजॉय करने वाला हूँ। और मतलब अर्थ है यार। टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ, उसको ये लोग बोलते हैं वेरम। ओके, उस जगह का नाम। तो अभी हम लोग वेरम जाएंगे टॉप से, जैसा भी व्यू दिखता है और जैसी भी ट्रेल है मैं आपसे सब शेयर करूँगा।
मैं जब अपनी आंखें मन से बंद करता हूं तो एक चीज मुझे साफ साफ नजर आती है, नजरिया, जिसको खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। पर नजरिया तराशा जाता है खुद में झांक कर, और उसके लिए खुद के साथ वक्त बिताना जरूरी है। खुद के साथ दोस्ती जरूरी है और अकेले चलना जरूरी है। बेरम पहुंच चुका हूं और ये इस जगह का टॉप मोस्ट पॉइंट है। इवन बेरम जो एक छोटा सा गांव है, यहां पे कुछ पहाड़ी घर हैं, यहां पे कुछ और ऊपर कुछ कॉटेज टाइप के बने हुए हैं, तो आई थिंक कुछ टाइम बाद यहां पे भी स्पेस के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। यहां से बस ये है कि जैसे हर ट्रैक पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पीक्स होती हैं कुछ ज़्यादा दिखती हैं, तो यहां से भी कुछ पीक्स दिख रही हैं। आई थिंक ये एक कोई रेंज है, मैंने लोगों से पूछा पर उनको इस पीक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं सर्च करके बाद में इस वीडियो में डाल दूँगा। पर काफ़ी अच्छी पीक है, पूरे स्नो कैप माउंटेंस हैं, आई थिंक ये 120 डिग्री व्यूज़ हैं, और इवन यहाँ से भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और वहाँ पे भी मुझे घर दिख रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि कोई फाइनल टॉप पॉइंट है, क्योंकि आप एक टॉप पॉइंट पे पहुँचते हो तो आपको एक और ऊंचे माउंटेंस दिखते हैं, तो ये जगह बस कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, ये रास्ते ऐसे हैं। तो यहाँ से जो रास्ता है, अब यहाँ से जो रास्ता जाता है वो नीचे गौहर विलेज होते हुए सीधा चोज गांव निकलेगा। रास्ता यहाँ से है, उतर रहा हूँ। ये रास्ता जाएगा पहले गौहर विलेज, उसके बाद सीधा चोज, ठीक है। एंड ये शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट तो है लेकिन ऊपर तक आने के लिए बड़ी मेहनत है यार, है ना। रसोल से लेके बेरम गांव तक आने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है, तो बस ये वेट भी है, तो काफ़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ना पड़ा। रास्ता बिल्कुल स्टीप है और पूरा धूल धूल वाला रास्ता है, और अभी जो रॉक्स वगैरह हैं वो टूटी हुई हैं, तो वो कह रहे थे कि ऐसा थोड़ा प्लेन है, तो आप देख सकते हो कितना थोड़ा प्लेन टाइप का एरिया है यहाँ पे। गाइस सामने बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है, पता नहीं क्या, शायद आग है, पर यहाँ पे आग पहुँची तो भाई यहाँ से भागना मुश्किल हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को।
ना रास्ता समझ में आ रहा। शिट हाँ भाई साहब, वहां पे बहुत ज्यादा आ गया यार, पता नहीं मुझे आगे जाना चाहिए जाना चाहिए। I'm all alone. आई थिंक मुझे वापस चलना चाहिए। नो नो दिस इज नॉट द राइट वे। वापस 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 अथवा से फैलती है मेरे भाई। हम दो देख चुके हैं बहुत अच्छे से। मुझे पर से एरिया इतना ड्राई है ना, इतनी तेजी से आग बढ़ेगी ना अगर पहुंचे। मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं वहां पहुंच जाता हूं जैसे लोग बताएंगे मैं वही करूंगा। पर से आग भी इसी डायरेक्शन में। लगेंगे तो फक। रास्ता जो है गौहर से होते हुए और जहाँ से ट्रैक जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। अरे भगवान, यू सी दैट रेड फ्लेम? कैन यू हियर द साउंड? भाई साहब अभी बहुत थोड़ा सा धुआं था, पूरे में हो गया कवर यार। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए यार, सही में यहाँ से निकलो भाई जल्दी, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। वैसे भी सोलो हैं।